तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज का हमारा टॉपिक है विपणन का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, जो कि बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो आज जो हम देख रहे हैं विपणन का महत्व, उसको हम चार कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम विपणन की बात करें तो जैसे कि हम सबको मालूम ही है कि विपणन का कार्य उपभोक्ता से ही स्टार्ट होता है, उपभोक्ता पर ही खत्म होता है। इट स्टार्ट्स विद द कंज्यूमर एंड इट एंड्स अप विद द कंज्यूमर। तो हर एक फील्ड में हम देख सकते हैं कि इसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस हो सकती है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो चार फील्ड जो मैं आपको बता रही हूँ, पहला है इसमें व्यवसायियों के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सेकेंड पार्ट हम स्टडी करेंगे उपभोक्ताओं के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि समाज के लिए विपणन का क्या महत्व हो सकता है, और फोर्थ पार्ट में ये देखा जाएगा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विपणन किस तरह से उपयोगी हो सकता है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं व्यवसायियों के लिए प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व व्यवसायियों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि डे टू डे लाइफ में हम देखें कि प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत ज़्यादा बल्क में कंज्यूमर के सामने उपलब्ध है, तो प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए एक संगठन को या एक संस्था को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विपणन का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ है कि विपणन के द्वारा किसी भी संस्था में अधिक से अधिक विक्रय किया जा सकता है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती हैं जिससे कि संस्था का विक्रय बहुत अधिक मात्रा में हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं अधिक उत्पादन, क्योंकि बल्क में उत्पादन होता है। विपणन की जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग क्योंकि बल्क में उत्पादन हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विपणन के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए भी व्यवसायियों के लिए यह महत्व की बात हो सकती है। नेक्स्ट है नवाचार को प्रोत्साहन। नवाचार को प्रोत्साहन का मतलब है इनोवेशन। इनोवेशन कैसे किया जाए, अलग अलग टेक्निक्स हैं मार्केट में, लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल्स, तो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि रोज ही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है विपणन का महत्व ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि संस्था को अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए बाजार में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि नवाचार बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है प्रति इकाई लागत में कमी, क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है तो नेचुरल सी चीज़ है कि विपणन के वजह से प्रति इकाई लागत में भी यहाँ पर कमी हो जाती है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, विपणन का महत्व इसलिए भी व्यवसायियों के लिए बढ़ जाता है क्योंकि विपणन के द्वारा सामाजिक उद्देश्य भी निभाया जाता है, जैसे कि समाज के लिए जो कार्य किया जा रहा है, समाज में रहने वाले लोगों के लिए जो कार्य किया जा रहा है, रोजगार में वृद्धि की जा रही है, वो सब विपणन के महत्व को ही शो कर रहा है। उसके अलावा भी अन्य अगर हम देखें कि विपणन का महत्व व्यवसायियों के लिए कैसा है, तो ख्याति बढ़ जाती है संस्था में, अगर अच्छा से अच्छा उत्पादन हो रहा है, विपणन की प्रक्रिया अच्छी अपनाई जा रही है, अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स दिए जा रहे हैं, विक्रय संवर्धन किया जा रहा है, तो नेचुरल है कि ब्रांड नेम आगे से आगे बढ़ेगा, साथ में संस्था की ख्याति में भी वृद्धि हो सकती है, साथ ही मध्यस्थों की प्राप्ति भी हो सकती है इसके अंतर्गत। सेकेंड हम कहते हैं उपभोक्ताओं के लिए विपणन का महत्व। अब उपभोक्ता ही केंद्र बिंदु है विपणन का, क्योंकि उपभोक्ता से ही विपणन का कार्य प्रारंभ हो रहा है, उपभोक्ता पर ही खत्म हो रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। तो उपभोक्ता के लिए विपणन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उपभोक्ता को जो भी ज़रूरत की वस्तु है, ज़रूरत की सेवा है, वो समय पर उपलब्ध हो जाती है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। बाजार सूचनाओं की जानकारी विपणन के द्वारा ही उपभोक्ताओं को मिलती है, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, प्रोडक्ट का संवर्धन होता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में उसके साइज कलर उनके बारे में भी जानकारी विपणन के द्वारा ही मिलती है। साथ ही साथ ग्राहक के धन का सदुपयोग होता है कि वह सोचता है कि मुझे जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूँ प्रोडक्ट का, उतना क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे मिल सके, तो उसके लिए वह चाहता है कि मेरे धन का सदुपयोग भी हो सके, तो वो भी विपणन के द्वारा ही पॉसिबल है। फिर है विक्रय प्रांत सेवा लाभ। विक्रय के बाद में सेल सर्विसेज जो है, आफ्टर सेल सर्विसेज, वो भी सेवा लाभ किस प्रकार से मिल सकता है, वो भी विपणन के द्वारा ही मिल सकता है। साथ ही साथ उपभोक्ता के जीवन स्तर में भी वृद्धि इसके द्वारा होती है, विपणन के महत्व को जीवन स्तर में वृद्धि के
द्वारा भी हम देख सकते हैं। यथा स्थान वस्तुओं की उपलब्धि अगर प्राप्त करनी है उपभोक्ता को तो वो भी विपणन के द्वारा ही की जा सकती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा समाज के लिए महत्व। अब समाज के लिए विपणन का महत्व किस रूप में हो सकता है कि अलग अलग संस्थाएं खुलती हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज खुलती हैं, कारखाने खुलते हैं, तो उसमें रोजगार में वृद्धि होना नेचुरल है। तो ये रोजगार में वृद्धि जैसे ही हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, संवर्धन हो रहा है, प्राइसिंग हो रही है, प्लेस डिटर्मिनेशन हो रहा है, वो भी इसका एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ समाज के लोगों के रूढ़ियों से भी उनको मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति इस रूप में मिल जाती है कि विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से समाज के लोगों को भी जागरूक किया जाता है, नए नए प्रोडक्ट इस तरह के मार्केट में लाए जाते हैं जिससे कि रूढ़ियों को खत्म किया जा सके, सामाजिक मूल्यों की स्थापना की जाती है, साथ ही साथ कम मूल्यों पर उत्पादों की उपलब्धि भी हो सकती है। लास्ट आता हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विपणन का महत्व। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अगर विपणन के महत्व को हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर आता है कि व्यापार चक्रों से सुरक्षा मिलती है, जो देश का आयात निर्यात है वह भी इस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो देश है उसमें मंदी व अधिक उत्पादन ये सब इस पर डिपेंड करेगा विपणन पर। जितना प्रोडक्शन होता है उतने ही प्रोडक्शन की खपत हो जाना या जितनी मांग उसके अकॉर्डिंग पूर्ति हो जाना या पूर्ति उसके अकॉर्डिंग मांग हो जाना भी विपणन के महत्व के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। देश के साधनों का सदुपयोग भी किया जा सकता है। देश के साधनों के सदुपयोग में जैसे कि जो डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स हैं या हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पूरा करने के लिए इन साधनों का सदुपयोग अगर कारखाने लग रहे हैं या फैक्ट्रीज लग रही हैं उसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये टॉपिक हमारा था विपणन का महत्व।